जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HCF निकालने की दो विधियां समझेंगे, अर्थात HCF कैसे निकालते हैं, उनके कौन कौन सी विधि हैं, उन सभी विधि को अच्छे से समझेंगे। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। उसे निकालने का सबसे आसान तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? अंकगणित में दो पूर्णांक A तथा B का महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कि महत्तम समापवर्तक या मा डॉट सा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या कि फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या कि फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या कि फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह महत्तम अर्थात सबसे बड़ी संख्या होती है जो ए तथा बी दोनों को विभाजित कर सके। ए और बी दोनों को विभाजित कर सके, दोनों को, इस शब्द का मतलब जरूर समझिएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, महत्तम समापवर्तक दो अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, उसे उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। कैसे कहते हैं, इस शब्द को जरूर समझिएगा, ठीक है ना। उदाहरण, 8 और 14 का महत्तम समापवर्तक 4 होता है, क्योंकि 8 और 4 दोनों 4 से विभाजित हो जाते हैं। यदि 8 और 12 का HCF निकालोगे तो 4 आएगा। अब बोल रहा है कि वो जो महत्तम समापवर्तक आया है वो उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, जो मैं बोला हूं यहां पे, A तथा B दोनों को विभाजित कर सके। तो ये A हो गया और ये हो गया B। तो जो महत्तम समापवर्तक आया है HCF जो आया है वो A और B दोनों को भाग दे दे, तो 4 × 8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक। तो विभाजित हो जाती है, तथा 4 में बड़ी कोई अन्य संख्या 8 और 12 दोनों को विभाजित नहीं कर सकती। अर्थात मैं क्या बोला हूं यहां से बड़ी संख्या अर्थात 4 सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या नहीं है, इससे छोटी संख्या हो सकती है। जैसे 2 8 को विभाजित कर रही है और 12 को भी विभाजित कर रही है, लेकिन 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 8 और 12 दोनों को विभाजित कर सके। इसलिए HCF 8 और 12 का हो जाएगा 4। आया समझ में? अब आगे देखिए, HCF निकालने की दो विधियां हैं, जो मैं बताया कि 8 और 12 का 4 आ गया, वो कैसे आ गया, इसके निकालने का तरीका आप देखेंगे। इसके लिए दो तरीका है, कौन कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि या कि फिर डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहला विधि कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। हमने एक नंबर लिया है 24, 44, 36 और 18। यहां पर मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि कभी भी HCF या कि फिर LCM का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, आप LCM निकालने या HCF निकालने, दो या दो से अधिक संख्याओं का ही LCM और HCF निकलेगा, कभी एक संख्या का HCF या LCM नहीं निकलेगा। एक संख्या का हमेशा गुणनखंड निकलता है, ठीक। तो इसीलिए हमने 4 अंक लिए हैं, कौन कौन से? 24, 44, 36 और 18। तो देखिए, पहला अंक ले लीजिए 24, फिर 44, फिर 36 और फिर है हमारा 18, ठीक। तो 24 का गुणनखंड, अब ये अकेले इसका क्या होगा, हमें सिंगल का निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 24 का। तो अभाज्य गुणनखंड, अब ये गुणनखंड कैसे करते हैं वो देखिए। गुणनखंड
करना भी हम आपको अलग से बता चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो कैसे 24 का कैसे निकलेगा, देखिए 2 12 2 6 और 2 3 3 1 2 × 2 × 3 × क्या हुआ 2 × 2 × 2 × 3 2 × 4 × 8 = 24 आ गया। अब उसी प्रकार 44 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 11 36 का निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 क्योंकि 2 × 2 = 4 × 3 = 12 × 3 = 36 यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 × 3 3 × 6 = 18 ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये मत बताइए, बोलिएगा कि इसका ये कैसे आ गया। इसके लिए बताया ना मैं आपको गुणनखंड कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, वो वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कि कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। वो एक छोटा सा ही वीडियो है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 44 को ऐसे कैसे लिख दिया, 36 को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसको आगे क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितनी 3 मतलब 2 3 बार लिखा गया है, 1 2 3 बार, और 3 को कितनी बार लिखा गया है, सिर्फ 1 बार लिखा गया है, तो 3 की पावर 1। उसी प्रकार दूसरे में 2 की पावर 2 और 11 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 3 की पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है, 2 1 बार है। ठीक, आया समझ में। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां तक तो आपको, यदि आपने एलसीएम का वीडियो देखा हो तो यहां तक तो आपने उसमें भी किया था, एलसीएम में भी अभाज्य गुणनखंड विधि में, ठीक, और एससीएफ में भी यहां तक करना पड़ा, बट यहां से जो मेथड है वो बदल जाएगा। इसमें क्या करना है, हम एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं, एससीएफ की बात नहीं कर रहा हूं ना, एलसीएम की बात कर रहा हूं। तो एलसीएम में हमने क्या किया था, एलसीएम में हम जो जो नंबर दिया है हम सभी नंबर को लिए थे, 2 भी लिए थे 3 भी लिए थे यहां पे 11 भी लिए थे, इसके अलावा कुछ नहीं लिए थे। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या एचसीएफ जो कि हम इस वीडियो में निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, कॉमन, जो सभी में जो कॉमन होगा ना उस अंक को निकालेंगे, अर्थात 24 में भी होना चाहिए 44 में भी होना चाहिए, 36 में भी होना चाहिए और 18 में भी होना चाहिए। तो ऐसे अंक जो सभी में हो उस अंक को लेंगे। तो देखिए 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है और 2 इसमें है, 2 सभी में है, 2 सभी में है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 यहां पे भी है यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो हम ले लेंगे यहां पे क्या 2 × आप बताइए दूसरा कोई अंक है जो सभी में है, 3 यहां 3 नहीं है तो 3 नहीं ले सकते, 11 यहां 11 नहीं है बिल्कुल नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई ऐसा अंक नहीं है जो सभी में हो। अब इसके बाद क्या देखना है, जो सभी में है वो तो ठीक है, अब उसका सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2 आया, अब 2 का भी सबसे कम पावर वाला अर्थात घात वाला जो अंक हम लेंगे, जो सभी में कॉमन होगा उसमें भी हम सबसे कम घात वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 2 1 बार ही आया है, इस वाले में 2 सिर्फ 1 बार आया है, इससे कम है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, तो हम इससे अधिक वाला क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार 2 है, यदि हम 2 बार ले लेंगे तो ये 2 तो मिल गया सभी में, लेकिन ये 2 इसमें है ही नहीं, इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम सबसे कम पावर वाला लेंगे। ठीक, आया समझ में। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, तो एचसीएफ क्या आया, सिर्फ 2 आया,
तो 24, 44, 36 और 18 का HCF महत्तम समापवर्तक हमारा 2 आया। इसे हम किस मेथड से देखे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से देखे। यहां तक आया समझ में आपको? अब ये 2 ऐसी संख्या है जो इन सभी को भाग देने पे पूरी तरह से भाग चली जाएगी। इसके अलावा इससे बड़ी संख्या ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी में भाग चला जाए। यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहां पे समाप्त हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखते हैं भाग विधि। ठीक, भाग विधि देखिए, जो हमारा गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि, वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों में लगभग सेम है, बस यहां पे थोड़ा मेथड बदल जाता है। लेकिन जो भाग विधि है वो पूरी तरह से अलग है। एलसीएम निकालने का अलग मेथड है और एचसीएफ निकालने का पूरी तरह से अलग मेथड है। दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, हम भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर, जो नंबर दिए हैं उन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है इधर छोटा, सबसे छोटा इधर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, ऐसे हम लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमें बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। तो हमने लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में। पहला क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 36 होगा, फिर हो जाएगा 44। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, अब हम भाग देना शुरू करेंगे। भाग देना क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का भाग 18 से देंगे, मतलब दूसरी वाली अंक को पहली वाली अंक से भाग देंगे। कैसे, 24 18, तो क्या करेंगे, 18 को तब तक काटते जाएंगे जब तक वो कटेगा, मतलब जब तक वो एक में आ जाए। तो क्या करेंगे हम, 18 को 24 से करेंगे तो 18 एक कम 18, क्योंकि 18 दूनी 36 हो जाएगा। क्या करेंगे, 18 में 24 जाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब 24 में से 18 जाएगा तो 6 आएगा। अब 6 हासिल आया, अब आपको क्या करना है, इस 18 को यहां पे रखना है, ध्यान देते जाइएगा, इस 18 को उठाकर के यहां देना है। अब 6 तीरिक 18 हो जाएगा, अब यहां पे कट जाएगा। तो जो आया हमारे पास, जो भागक आया, भाजक, ये जो भाजक आया है, ये इसे हम अगले वाले नंबर पे शिफ्ट कर देंगे। इन दोनों का हो गया, अगला नंबर क्या है, 36। तो क्या करेंगे, 36 का 6 से भाग देंगे, तो 6 छायांक 36, पूरा भाग चला जाएगा। तो पूरा भाग जब चला गया तो अगला स्टेप करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा अब इन तीनों नंबरों का क्या आ गया, 6 आ गया। अब अगला नंबर क्या हो जाएगा, 44। तो 44 को क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, इस 6 से भाग देंगे, इस वाले 6 से। तो 6, तो क्या हो जाएगा, 6 9 54, 6 8 48, 6 7 क्या हो गया, 42, 6 7 42 आया क्या, 2। अब जब हासिल आ गया, पूरा नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को उठा करके फिर इधर रख देंगे, तो 2 का 6 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 कट गया। अब जो कट गया, अब जो लास्ट में आया है, ये जो लास्ट में आया है, लास्ट में 2, यही है हमारा HCF, यही क्या है हमारा HCF, जो कि लास्ट में आया है। तो भाग विधि से क्या हो गया, भाग विधि से क्या आ गया, HCF बराबर 2 आ गया, जो कि लास्ट में आया है। यहां पे हमारा भाग विधि खत्म हो गया। अब मैं 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखिए, जब आपने इन दोनों का निकाला तो इन दोनों का HCF क्या आया था, 6 आया था। तो 100% है कि 18 और 24, सिर्फ 18 और 24 का HCF 6 होगा, सिर्फ 18, 24 और 36, इन तीनों का HCF 6 होगा। और जब हम चारों का ले लेंगे तो हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। तो और इसके आगे नंबर होता तो फिर हम 2 से भाग देते उसको। ठीक, तो
हमें इस तरह लाइन बाय लाइन भाग देते चले जाना है। आपका लास्ट में जो आएगा वही उन सभी अंकों का HCF कहलाएगा, अर्थात महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों विधियां समाप्त हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहले 26, 88 और 72 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, और 62, 48 और 78 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। यदि आप LCM निकाल चुके हैं, LCM देख चुके हैं, LCM का वीडियो आपको देखा जा चुका है, तो आप इन सभी के LCM भी निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 26, 88, 72 का LCM कितना होगा, 62, 48, 78 का LCM और HCF क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।